नौकरी बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पीटीआई टीचरों ने दादरी के रेस्ट हाउस में जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला से मिलने पहुंचे थे तो पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मचारियों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। साथ ही शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से बहाली की मांग की। तिरासी पीटीआई टीचरों को कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी बहाली की मांग को लेकर शारीरिक अध्यापक संघ के आह्वान पर आमरण अनशन शुरू कर धरना दिया जा रहा है। बुधवार को जेजेपी संरक्षक के दादरी आगमन के दौरान पीटीआई ने थाली चम्मच बजाकर शहर में प्रदर्शन किया, उनसे मिलने रेस्ट हाउस में पहुँचे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उनको बीच रास्ते रोकना चाहा तो काफी देर कहासुनी हुई। महिला प्रदर्शनकारी सहित अन्य ने पुलिस पर गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, आगे जाने से रोकते हुए उनको गालियां दी हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें प्रशासन गाली देता है सर, हम गाली नहीं सुनेंगे, किसी भी के मतलब हम कुछ नहीं देंगे, हमारे गर्दन उतर जाएगी, हम उतर चुके हैं, कुछ कदम नहीं रखेंगे। किसने दी है गाली? प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक रेस्ट हाउस में रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कि 1983 पीटीआई को हटाकर उनको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अजय चौटाला जी ने ये कहा है, अब मैं 100% आपसे आश्वासन दे सकता हूँ और दे रहा हूँ, मैं इस काम को आपका बिल्कुल 100% सीएम से और डिप्टी सीएम से मिलके आपका समाधान करवाएंगे। मैं जेल जा सकता हूँ कर्मचारी के लिए और आगे भी जा सकता हूँ। ऐसे में उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट आ गया है। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आमरण अनशन के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी बीच अजय चौटाला उनके बीच पहुंचे तो पीटीआई टीचरों ने उनको ज्ञापन सौंपा। चौटाला ने उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। प्रदीप साहू, टोटल न्यूज, चरखी दादरी।